आज एमएस के बताने वाला है अपने बचपन की अनकही लव स्टोरी पहली। मेरा तो एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, देव का भी आज का एक्सपीरियंस देव ने बता दिया। बट देव, तू एक आरए कॉलोनी से घर आते आते लगभग मुझे 4-5 बज गए थे। उसके बाद फाइल ट्रांसफर करके मैं सो गया और उठा लगभग 11 बजे। 11 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश नहा धोकर वीडियो एडिट पे लग गए। वीडियो एडिट अपलोड करते करते 5-6 बज गए। पता नहीं, इंटरनेट स्पीड भी बहुत स्लो चल रहा था और अभी मेरे पास करने को कुछ नहीं। करने को कुछ था बट वो दिन में था, बट शाम को करने को कुछ नहीं है तो मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं होगा उस दिन मैं Q&A या फिर कोई स्टोरी सुनाऊंगा आपको। तो आप लोगों ने कहा था कि नहीं, आपकी कोई अनटोल्ड स्टोरी सुनाओ जिसमें लव स्टोरी आप लोगों ने बोला था ज्यादा। तो लव स्टोरी आज के दिन कल हम करेंगे गिव अवे नॉइस प्रोडक्ट जो आए हुए हैं मेरे पास, लेकिन आप लोग के लिए आज का दिन ही है। क्योंकि मैं फेसबुक में भी हूँ नाम के लिए, ट्विटर में भी हूँ नाम के लिए और इंस्टाग्राम पर हूँ, तो मैंने सोचा है कि ये जो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं ये तीनों जगह हम लोग गिव अवे करेंगे। ठीक है, ये और ये, मतलब 3 कलरफिट प्रो और 3 X5 हम गिव अवे करेंगे इंस्टाग्राम के लिए। एक X5 और एक कलरफिट प्रो करेंगे फेसबुक के लिए, एक X5 और एक कलरफिट प्रो करेंगे ट्विटर के लिए। ट्विटर की और फेसबुक की कम्युनिटी हमारी थोड़ी छोटी है, इसके लिए 2 प्रोडक्ट और इंस्टाग्राम पे तो आप जानते ही हैं, तो इंस्टाग्राम के लिए 6 प्रोडक्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे ऑफिस में, मतलब ये ऑफिस ही है, हमारे ऑफिस में कुछ लोग रहते हैं, उनसे पूछते कि ये आइडिया उनको कैसा लगा। गौरव और शफीक थोड़ा अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि अभी करने को कुछ है ही नहीं तो एक लव स्टोरी सुनाओ अपने बचपन की, तो क्या लगता है सुनाना चाहिए कि नहीं? बस सुनाना चाहिए बचपन। तुझे क्या लगता है? बस हंसी आ रही है। तो जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका ये आंखों देखी गवाह है, मतलब फर्जी स्टोरी नहीं है, असली स्टोरी अपनी जीवन की, और उसका हिस्सेदार ये भी है, इसको भी पता हुआ स्टोरी। आओ कैमरे को बैठाओ भाई, बैठाओ। ओके, सो ये है शफीक। ये थोड़ा मिस्ट्री कैरेक्टर है मेरे ब्लॉग में। एक्चुअली ये मेरे को मेरे बिजनेस में ये हेल्प करता है और ये हमेशा मेरे साथ में ही रहता है। मैंने अपना 7th तक स्टडी एक म्युनिसिपल स्कूल से किया है, उसमें ये भी था, ये भी म्युनिसिपैलिटी से पढ़ा है। हम लोग का स्कूल का नाम था राजश्री श्यामनगर स्कूल और उसके 3 माले थे। हम लोग का 2nd फ्लोर था, मैं लास्ट फ्लोर पे था। 3rd फ्लोर पे ये था, 3rd फ्लोर पे पूरा उर्दू मीडियम, 2nd फ्लोर पे हिंदी मीडियम, 1st मराठी और नीचे वो तेलुगु या तमिल कर्नाटक। हम लोग के लिए एक स्पेशल, हिंदी वालों के लिए स्पेशल फ्लोर, उर्दू वालों के लिए स्पेशल फ्लोर। तो मैं रहूंगा कुछ 10-12 साल का। तो ये जो लव स्टोरी है ये स्कूल की नहीं है, ये है अरबी। अरबी वो होता है कि जहाँ पर हम मस्जिद में जाते हैं अरबी सीखने के लिए। कुरान की जो लैंग्वेज है वो अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उर्दू में नहीं है, मतलब इसको आप ऐसे पढ़ नहीं सकते, तो उसको अलग से सीखना पड़ता है। तो वो सीखने के लिए हम लोग अरबी जाते थे। ये है हमारे मस्जिद का आर्किटेक्चर डिजाइन। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसा है हमारा मस्जिद। तो यहाँ से एक एंट्रेंस है, जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, ऐसा होता था यहाँ पर, ऐसा होता था यहाँ पर, और एक ऐसा होता था यहाँ पर। बेसिकली बाकड़ा लगाए जाते थे, यहाँ पर बैठते थे बॉयज और यहाँ पर बैठते थे गर्ल्स, और यहाँ पर जनाब जी बैठते थे। मैं बैठता था यहाँ पर और हमारी पहली मोहब्बत वो बैठती थी ठीक मेरे सामने। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनके 2 भाई भी आते थे, उनके 2 भाई कहीं यहाँ कभी यहाँ बैठते थे, लेकिन मेरी जगह फिक्स थी और उनकी भी जगह फिक्स थी। ये हमने कभी छीनने नहीं दिया और ना उसने कभी छीनने दिया। तो लव स्टोरी शुरू होती है ऐसे, फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे मैंने सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखी। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि प्यार जिस्म से, चेहरे से, बालों से, अच्छी आदतों से, अच्छाई से नहीं होती, प्यार शुरू होती है आंखों से। आंखों से मोहब्बत की शुरुआत हुई थी मेरी। आंखों से ही हम हंसते थे, आंखों से ही बातें होती थी, लब्स वहां पर नहीं थे। वो याद आ गई यार, आपका MSK यहाँ बैठा हुआ है और हमारे सामने बाकड़े में ऐसे कुरान रखा होता था, तो हम ऐसे पढ़ते थे और एक नज़र
ऐसे, फिर ऐसे जैसे वो हमें देखती थी हम नीचे देखते थे, फिर हम देखते थे वो ऐसे ऐसे आंख मिचौली खेला करते थे हम। तो ये सिलसिला काफी टाइम तक चला। तो बोर हो रहा है क्या? नहीं, आप पुश करते थे बात करने के लिए तो नहीं करता। नहीं, मेरी इतनी फटती थी उस टाइम पे, लिटरली मैं क्या बताऊं, मतलब कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके बोलूं कि अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कभी नहीं हुआ। आंख में आंखों का सिलसिला लगभग 2-3 महीने तक चला, और वो आंखों के सिलसिले से दिल में इतनी गहराई वाली, मतलब गहराई तक मोहब्बत हो चुकी थी कि खाना पीना हर जगह वही दिखती थी। मतलब इतनी इतनी गहरी मोहब्बत हो गई थी, मतलब 10-12 साल का लड़का और इतनी गहरी मोहब्बत कर बेटा। अब ये लोग और हमारे कुछ और दोस्त ऐसा पुश करते थे कि जा यार तू उसको बोल दे, दिल की बात इजहार कर दे यार, वो भी लाइक करती है तेरे को। तो ये हमें मोटिवेट करते थे कि नहीं जाके बोल, ठीक है। और हम उनके पीछे पीछे, जैसे अरबी छूटता था उनके पीछे पीछे, वो ऐसे कुरान को ऐसे ऐसे लेके वो चलते रहते थे। उनके साथ उनकी सहेली होती थी और मैं चोरों की तरह, अपन तो कुरान मस्जिद में रखते थे लेने वाला कोई सीन नहीं था, तो मैं उनके पीछे 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 पीछे, और जैसे वो पलट के देखते थे मैं ऐसे अनजान, जैसे आंखों में आंख मिचोली का सिलसिला 3 महीने तक चला, वैसे ये भी सिलसिला लगभग 1-1.5 महीने तक चला, लेकिन कभी हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई और जाके उनको हम बोल पाए कि अस्सलाम वालेकुम, कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा, ऐसा मैंने कभी बोला ही नहीं, क्योंकि मेरी इतनी इतनी फटती थी, कभी मेरे लब्ज जुबा पे आए नहीं। अब गर्मी की छुट्टी आ गई थी, गर्मी की छुट्टी में सब लोग मतलब 2-3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। हमने कहा कि इस बार तो हम बोल के रहेंगे, मतलब आपका भाई फुल एकदम वॉरियर की तरह की नहीं, आज तो दिल की बात कहकर रहेंगे। फिर उनके पीछे 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 गए, ये तुम लोग भी थे शायद उस दिन, कि लास्ट डे था तो सब लोग मतलब ग्रुप बना के चले गए। और क्या किया आपके भाई ने उस दिन? भी नहीं बोला सीन करता था, वो रमजान का टाइम था, रमजान में एक नई छुट्टी मिलती अपने को अरबी की, नहीं थी, नहीं थी, नहीं गर्मी की छुट्टी थी, क्योंकि मुझे पता है वो 3 महीना तक नहीं थी, और 3 महीना हम अंदर ही अंदर से खोखले हो चुके थे। हाँ, मैं छुट्टी गाँव गई थी फिर। हाँ, तो अंदर बहुत तड़पते थे और हमेशा ऐसे अरबी में आके देखते थे आई कि नहीं, आई कि नहीं, उसके घर के चक्कर लगाते थे हम कि देखते हैं दरवाजे पे ताला लगा अभी तक नहीं आई यार 3 महीने का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद फिर अरबी चालू हुआ, फिर वो आने लगे, और फिर उनको देख के जो दिल में राहत पहुंची, बोले हो हो जान में जान आ गई, ऐसा हो गया था। फिर से वो सिलसिला चालू हो गया, आंखों में बातें करने वाला, आंखों में एक्सचेंज एनर्जीज। फिर एक दिन ऐसा था कि आज मैंने ठान लिया, ठीक है, कि आज तो बोल के रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, और इन लोगों को मैंने बुलाया नहीं था, कि मैं खुद ही गया था कि आज तो करके रहेगा। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस बार, हिम्मत तो कर लिया था लेकिन जाके बोल नहीं पाया। लेकिन गड़बड़ी हो गई कि उनको किसी ने ये बता दिया कि तेरा हर दिन ये पीछा करता है, और उन्होंने पलट के देखा, और वो जो लुक दिया था उससे मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तूफान आने वाला है अगले दिन। मैं सोच रहा था कि यार ये जो आंखों में कनेक्शन हुआ था क्या वो सच है, या फिर मतलब मैं ही समझ बैठा कि ये प्यार है। तो अगले दिन अनएक्सपेक्टेड था चीज, अचानक फिर अगले दिन वही आंख मिचौली हो रही, लेकिन अगले दिन की आंख वाली जो बात थी ना वो कुछ अलग लग रही थी, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ होने वाली है। और जैसे अरबी खत्म हुआ उनके पिताजी आए थे वहां पर, अब उनके पिताजी आए हमारी तो वैसे ही फटती थी, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, कि उन्होंने क्या बात की उनके पिताजी, बस मुझे सिर्फ ऐसा आया कि ऐसे इशारा किया लड़की ने, जनाब जी जैसे ये जनाब जी मैं उनका डैड, लड़की यहाँ पर है, लड़की इशारा कर रही है ये ऐसे, और मैं वहां पर। अब उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, मेरी तो इतनी फटी, मैं 2 दिन अरबी नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं जानने की कभी कोशिश ही नहीं किया, लेकिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे ऐसा लगा था कि यार जो चीज मैं फील कर रहा था वो नहीं फील कर रही थी, मतलब मोहब्बत एक तरफा था, वो एक तरफा मोहब्बत था। उस बीच में किस्सा हुआ था कि मैं जब बोल नहीं पा रहा था ना तो मैं उनके घर के चक्कर लगाता था, मैं सोचा था कि नहीं यार ऐसे तो मैं बोल नहीं पा रहा, एक चिट्ठी लिख के उनके घर के बाहर छोड़ देता हूँ। तो चिट्ठी लिख के घर के बाहर छोड़ने के लिए गया तो मैंने देखा वहां पर एक चिट्ठी ऑलरेडी पड़ी हुई है उसी अब वो चिट्ठी कौन लिख के भेजा, वो नाम बीप कर दूंगा, और वो वहां पर छोड़ दिया। उसका जो भाई था उससे थोड़ी मेरी बातचीत होती थी, मैंने उसके भाई को दिखाया कि देख तेरी बहन को किसी ने चिट्ठी लिखा, अपन पकड़ते उसको मारते, क्योंकि अंदर से जलन तो थी ना,
और ये उससे पहले की स्टोरी है, जब उसके पिताजी आए तो उससे पहले की स्टोरी है, ये सब सीन हुआ था। लेकिन उसके बाद आपके भाई का दिल टूट गया, वो एक तरफा मोहब्बत था और वो एक तरफा ही रह गया, कभी मैं उनसे बात ही नहीं कर पाया। अभी का सिलसिला ये है कि उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी है क्या उनके, बच्चा हुआ कि नहीं? वो जो आंखें यहाँ पर बैठकर जो आंखें मैंने उनकी देखी थी, वो आंखें दिल के कोने में, गहराई में, मेमोरी में अभी भी जिंदा है। हाँ, बस यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। अब ये अधूरी कहानी, एक और अधूरी कहानी है हमारी, ये थोड़ा बड़ा होके मोहब्बत था, वो कभी फुर्सत मिले तो आपको बताएंगे। बस आज के ब्लॉग को इतना ही, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। और सुनो, करके ही जाना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके ही जाना, ऐसे ना जाना, ठीक है, बाय बाय। सच्चा आशिक लाइक करेंगे सच्चे आशिक, अगर आपने किसी के साथ मोहब्बत किया है सच्चा वाला, तो आप लाइक देके जाओगे, शेयर करके जाओगे इसको। सच्चा आशिक, एक सच्चा आशिक दूसरे सच्चे आशिक से कह रहा है, जाओ जाक लाइक करो, लाइक करो तो भाई चलो ओके। बोलना कितना है? बस तुझे बैठे रहना, तेरे को बोलना वाला कुछ नहीं, बस तेरे को अपनी शक्ल दिखानी है, विटनेस। अब तेरा काम हो गया, मतलब अब तू जाए उसे। सीन तो बता क्या अपने, मैं बता रहा हूँ ना अभी, मतलब ठीक है तू बैठे रहे, ठीक है, लेकिन बोलना नहीं